बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। सीएसएस की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आप अप्लाई जो है ऑनलाइन 3 नवंबर से पहले पहले कर सकते हैं। आपने एक हार्ड कॉपी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी भेजनी है, और वो आपको एक चलान फार्म देंगे जो आपने स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में जमा करवाना है। तो उसकी जो है एक फ़ोटो कापी आप अपने पास रख लीजिएगा एज़ अ सबूत के तौर पर के आपने अप्लाई किया है और आपने फीस जमा करवाई है। तो नाज़रीन, बात करते हैं सीएसएस है क्या। नाज़रीन, सीएसएस ऐसी एक एग्ज़ाम है जो पाकिस्तान में एक साल बाद लिया जाता है, जिसकी जो तालीमी काबिलियत है वो बीएबीएससी होनी चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो है सीएसएस में बड़ी बड़ी ऑफिसर्स भर्ती किए जाते हैं और एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो हैं सीएसएस ही से लिए जाते हैं। तो सीएसएस जो है लोग कहते हैं बहुत टफ है। जी बिल्कुल, ये टफ है लेकिन बहुत आसान भी है, क्योंकि इसमें सारी इंग्लिश है। जिसकी इंग्लिश क्लियर है वो तकरीबन 95% जो है सीएसएस क्लियर कर चुका होता है। इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा टफ होता है, बाकी बहुत काम ईजी होता है। आपने इंग्लिश के पेपर के लिए मेहनत करनी है और बाकी भी मेहनत करनी है। तो अब बात कर लेते हैं जी, सीएसएस में तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन लोगों में ये इम्तहान देने का हौसला ही नहीं होता और वो जो है इम्तहान नहीं देते, और तकरीबन 7 से 8 या 6 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो इम्तहान में ज़ाहर होते हैं, अपीयर होते हैं, और उनमें से सिर्फ 300 से 400 लोग ही पास हो पाते हैं, और तकरीबन उन लोगों को जो है वो अच्छी अच्छी सीट्स पर भर्ती किया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स चुने जाते हैं और वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खिदमात सर अंजाम देते हैं और ब्यूरोक्रेसी में अपना किरदार। आपने अगर अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो कमेंट में बता दी। अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सवाब की नीयत से।